एफआईआर हुई है, मैं ये कह रहा हूँ जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके बारे में बात होती चलते और जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दें, उनको नौकरी दें, समृद्धि स्थल के लिए जगह, सारे देश का किसान जो है जितना वहाँ बैठा है उनकी सबकी गल। ये आज हरियाणा के सीएम ने जो है बुलाया है और उसमें जो हरियाणा लेवल के मैटर हैं, जो हरियाणा में मुकदमे दर्ज हैं उनके बारे और जो हरियाणा में के किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे बारे और जो स्मृति स्थल के लिए जगह की मांग है कि जो किसान शहीद हुए हैं उनका कुंडली बॉर्डर पे हमने स्मृति स्थल बनाना है, तो इन सभी मुद्दों पे बातचीत होगी जो हरियाणा सरकार के लेवल के होंगे। इस आंदोलन में जो हरियाणा सरकार के लेवल के मुद्दे होंगे उन पे बात। सरकार ने अभी तक शहीद का दर्जा तो नहीं दिया। किसान मोर्चा की तरफ से आए क्या? देखिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कह लीजिए उनको उनके माध्यम से बात हुई है और हरियाणा की तरफ से आए, क्योंकि हरियाणा के जो मैटर है वो हरियाणा के लेवल के ही जो है उसमें एफआईआर हुई है। मैं ये कह रहा हूँ जितने मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके बारे में बात होगी कि उनको वापस लें और जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दें, उनको नौकरी दें, स्मृति स्थल के लिए जगह दे। आप मुन्नी साहब आप खुद आए हैं या सीएम मिनिस्टर ने आपको बुलाया? कल 4 तारीख को मीटिंग यहां आपको कॉल किया या आपको यहां से जो है सीआईडी वालों का मैसेज हमारे पास गया था। मुन्नी साहब अगर ये मांगे मान ली जाती हैं बतौर सीएम मान लेते हैं तो क्या हरियाणा का किसान वापस उठ जाएगा? आंदोलन खत्म कर नहीं, हरियाणा का नहीं, सारे देश का किसान जो जितना वहां बैठा है उनकी सबकी कल मीटिंग होगी और उस सारी बात पे विचार करके कि यहाँ से क्या हुआ है, दूसरी तरफ से क्या हुआ है, उस सब पे विचार करके कि उनके कुछ सेंटर के भी केस हैं, सब पे कल विचार करेंगे। हरियाणा के कितने किसान हैं जो 80-80 में बैठे हो जाएंगे? सरकार ने शहीद का दर्जा तो अभी तक नहीं दिया। नहीं, शहीद साहब आपको आज बुलाया गया है या क्या? जी बुलाया गया है और यहाँ से मैसेज गया था सीआईडी का, तो उसके माध्यम से हम आए। तो अभी कौन कौन सी मसलों पे बात होगी और इसके बाद क्या एक्शन होगा? जो मुकदमे दर्ज है मुकदमे दर्ज पे बात होगी कि वो सारे वापस लें और मुआवजा दें, मृतकों को नौकरी दें और स्मृति स्थल के लिए स्थान दें। तो इसके बाद क्या सब किसान जथेबंदी आप 32 से आए हैं या मतलब? हम हरियाणा की तरफ से आए हैं क्योंकि हरियाणा सरकार के जो लेवल के बात है वो हरियाणा सरकार ही निपटाएगी उसको और जो भी यहाँ से बात होगी उसको कल से 32 किसान जथेबंदियों से किया जाएगा बात उसके बाद। भाई साहब 32 पंजाब की है, 32 देश की मालिक नहीं है, 32 जथेबंदियाँ अकेले पंजाब की है। संयुक्त मोर्चा जो संयुक्त मोर्चे में तो सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों जथेबंदियाँ, उन सबसे कल मीटिंग होगी।